हर उस इंसान को दशरथ मांझी बनना पड़ेगा, तभी जाके इस जीवन में जो है वो सफल हो पाएंगे। अगर आप जीवन में दशरथ मांझी जैसे संघर्ष नहीं करेंगे तो इस परिवेश में आप के परिवेश में डिजिटल होना हर इंसान को उतना ही जरूरी है जितना जीने के लिए हमें ऑक्सीजन। नमस्कार, प्रणाम, मैं सुमित कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट 24। अब आपके बच्चों को कंप्यूटर सीखने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर की दूरी तय नहीं करना पड़ेगा, बल्कि अब आपके क्षेत्र आपके बाजार में कंप्यूटर सिखाने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कैरियर कंप्यूटर के द्वारा जो है यहाँ पे इंस्टीट्यूट अपना खोला गया है, जहाँ पे बच्चे आपके जो है यहाँ पे बाकायदा यहाँ पे कंप्यूटर सीख सकते हैं, जिससे वो डिजिटल के बारे में जो है जान सकते हैं। बता दें कि ये पटेरवा नवजीवन इंटर कॉलेज के रोड के ठीक सामने यहाँ पे खुला हुआ है। आइए हम जानते हैं जो इस इंस्टीट्यूट के जो मालिक हैं उनसे कि आखिर में जो है यहाँ पे खुलने का जो है उनका क्या मकसद है। देर न करते हुए इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कैरियर कंप्यूटर के डायरेक्टर सोनू शर्मा जी। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बता दें कि यहाँ पे बच्चों को जो है वो कंप्यूटर सिखा रहे हैं। आज के दौर में जो है कंप्यूटर सीखना हर बच्चों को काफी जो है जरूरी है। कहीं भी आप किसी भी फील्ड में जाएंगे तो सबसे पहले जो है आपसे पूछा यही जाएगा कि कंप्यूटर के बारे में जानकारी है या नहीं। तो आइए हम सीधे इनसे जानने की कोशिश करते हैं। न्यूज पॉइंट 24 में आपका स्वागत है जी। नमस्कार, मैं सोनू शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने कैरियर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। जी बताएं सर, क्या जानना चाहते हैं? हम चाहेंगे कि इंस्टीट्यूट जो है यहाँ पे कब से चल रहा है। सर, मेरा इंस्टीट्यूट ऑलरेडी गुरुवलिया में हमारा ब्रांच है, मेन ब्रांच, जो मैं 2020 में उसका स्टार्टअप किया था, और ये पटेरवा में आज मैं इसका नया ब्रांच डाला हूँ। अभी 2 महीना हुआ है मुझे ब्रांच डाले हुए, और मैं यहाँ चाहता हूँ कि जो यहाँ के बच्चे हों, मैं यहाँ के बच्चों को मैं कंप्यूटर की जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ से कुछ बच्चे हमारे पास गुरुलिया में जाया करते थे, इसलिए उनकी सुविधाओं के लिए मैंने गुरुलिया में ब्रांच डालने का प्रयास किया। जी, कब से यहाँ पे मतलब स्टार्टअप है? यहाँ मेरा 10 फरवरी 2023 को मेरा ओपनिंग था यहाँ स्टार्टअप। आज लगभग 1 से 1.5 महीना हुआ इसमें स्टार्टअप हुए, और आज मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ के बच्चे में काफ़ी उत्सुकता है कंप्यूटर सीखने की। जितना मैंने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा उत्सुकता इन बच्चों में है। वो चाहते भी हैं कि हम कंप्यूटर सीखे, लेकिन काफ़ी दूर दूर तक इनका तो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हुआ करता था, जिससे इनके जाने आने में बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ करती थी, जिसकी वजह से वो लोग जा नहीं पाते थे, सीख नहीं पाते थे। और यहाँ ये इंस्टीट्यूट खुल जाने की वजह से इनको काफ़ी सारी सुविधाएं मिल पा रही हैं। बच्चे कंप्यूटर क्यों सीखना है? अब कंप्यूटर सीखने का सबसे बड़ा रीज़न ये है बच्चों को, क्योंकि आज डिजिटल दुनिया में हर जगह पर, चाहे वो कंपनी हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई अदर कोई ऑफिस हो, हर जगह पे कंप्यूटर की बहुत ही आवश्यकता हो गई है, क्योंकि सारी चीज़ें डिजिटल होती जा रही हैं। और डिजिटल होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि किसी भी काम को हर कोई चाहता है कि कम समय में आसानी से किया जा सके। तो कम समय में आसानी से करने का एक सबसे बड़ा साधन है कंप्यूटर, और कंप्यूटर को सीखना उतना ही जरूरी हो गया है जितना एक इंसान के लिए हो जाए। क्योंकि अगर हम कंप्यूटर सीखे हैं किसी भी कंपनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब जाते हैं, तो हमें वहाँ पे आसानी से वहाँ पे किसी भी काम को करने के लिए हमें मिल जाता है काम, अन्यथा हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल बहुत ज़्यादा दिक्कत सामना करना पड़ता है जॉब के लिए, जो कि आज के डेट में युवा नहीं कर पा रहे हैं जॉब, यही रीज़न हो पा रहा था। कैरियर कंप्यूटर कब से मतलब यहाँ पे चल रहा है जैसे आपके द्वारा? मेरे द्वारा कैरियर कंप्यूटर 2020 मई 2020 में मैंने इसकी ओपनिंग की। कैरियर कंप्यूटर नाम रखने का सबसे बड़ा मेरा रीज़न था कि मैं चाहता था कि इस कैरियर कंप्यूटर के द्वारा मैं बच्चों का कैरियर संवारूँ, कैरियर बनाऊँ, ताकि बच्चे अपने इस इंस्टीट्यूट में पढ़ करके अपने कैरियर के बारे में कुछ बेहतर सपना सजा सकें। और कैरियर कंप्यूटर 2020 में मैंने चालू किया, और आज मुझे लगभग 2.5 से 3 साल का सफ़र हुआ, जिसमें मैंने हजारों लाखों बच्चों को मैंने पढ़ाया, जिनके सपने साकार किए, वो अदर अदर जगहों पे कंपनी में जाकर के वर्क कर पा रहे हैं। आज उनसे मिलने के बाद मुझे बहुत खुशी होती है, जब मुझे कहते हैं कि सर आपने मुझे पढ़ाया, और उस पढ़ाने का देन है कि आज मैं 20,000, 25,000, 30,000 कमाने के लायक हूँ। मुझे बहुत खुशी मिलती है कि आज मैंने कम से कम उस परिवार को उतने के लायक तो बना दिया है कि वो अपने परिवार को चला सके, परिवार का रोजी रोटी अच्छे से चला सकते हैं। नौजीवन इंटर कॉलेज, और यहाँ पे तमाम इंटर कॉलेज हैं, वहाँ पे जो है आपके द्वारा जो है कंप्यूटर डालने का कैसे मतलब मन में ख्याल आया कि मुझे यहाँ पे जो है डालना चाहिए? नौजीवन चूँकि पटेरवा में डालने का मेरा सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि पटेरवा से मेरा बहुत पुराना रिश्ता रहा है, क्योंकि मैं भी नवजीवन इंटर कॉलेज से ही मैं 10वीं की पढ़ाई किया हूँ, और यहाँ के जो अध्यापक हैं चूँकि बहुत आदर्श मेरे रहे हैं यहाँ के अध्यापक, मुझे बहुत ज़्यादा चूँकि इनसे मुझे अपने प्यार स्नेह मिला है, आशीर्वाद मिला है, और कई बार मैंने सर लोगों से वार्तालाप किया कि सर मुझे इंस्टीट्यूट डालना है कैसा रहेगा। और चूँकि इंटर कॉलेज यहाँ होने के 2-2 इंटर कॉलेज होने के बाद भी यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट नहीं था इससे पहले,
क्योंकि मेरा ये विचार बना कि यहाँ के जो बच्चे हैं सीखना तो चाहते हैं लेकिन इनके दूरी की वजह से ये कहीं पर सीख नहीं पा रहे हैं। खासतौर पे बच्चियां जो लड़कियां हैं वो उनकी फैमिली से मान लीजिए कि काफी अगर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर जाना पड़े तो थोड़ा सा फैमिली सपोर्ट नहीं करता है। समय चूंकि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक 4 बजे तक उनकी क्लासेस चलती है, सुबह शाम कोचिंग करना है, उनके पास समय ही नहीं बच पाता है कि वो किसी दूर जाकर के कंप्यूटर की क्लासेस कर सके, जिसकी वजह से मैं चाहा कि मैं यहाँ पे डालू तब उन बच्चों को सुविधाएं मिल पाएंगी, नजदीक का नजदीक रहेगा और वो आधा घंटा एक घंटा जितना भी उनके पास समय होगा वो आकर के हमारे पास समय देकर के कंप्यूटर की शिक्षा ज्ञान हासिल कर सकेंगे। ये मेरा रीजन था कि मैं कंप्यूटर यहाँ पटना में डालूं ताकि बच्चों को सुविधाएं, क्योंकि जो फाजिलगढ़ के बच्चे हैं फाजिलगढ़ में सीख सकते हैं, तमकोही के बच्चे तमकोही में सीख सकते हैं, लेकिन बीच का जो लोकेशन है फाजिलगढ़ से लेकर के तमकोही के बीच का जो एरिया है इसके बीच के जो बच्चे थे जो सीखना तो चाहते थे लेकिन दूरी की वजह से वो सीख नहीं पाते थे, मैं चाहा कि यहाँ डालूंगा तो सभी लोग सुविधाएं मिल पाएंगी। कितना यहाँ के आसपास से जो है लाभ यहाँ पे मुझे मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पे मुझे लगभग कनक पिपरा, यहाँ बगल में महुआ गांव है, समौर, लबनिया, राजा आगे रजवटिया, बगल में सेंदुरिया, मंगलपुरा, करमैनी, उजारनाथ, ये सारे जगहों के बच्चे मेरे पास अभी तक आ जा रहे हैं, इंक्वायरी मुझे मिल रही है, काफी सपोर्ट मिल रहा है इन बच्चों से और काफी उत्सुकता इन बच्चों के अंदर मुझे दिखने की मिल रहा है। ये काफी खुश है इस बात से कि कम से कम यहाँ पटेलवा में इंस्टीट्यूट खुला जिसकी वजह से हम लोग बहुत अच्छे से कम समय व्यतीत करके हम लोग सीख सकेंगे, क्योंकि जब शाम को 4 बजे के बाद अगर स्कूल से हम छूटते भी हैं तब भी 10 मिनट का समय लगेगा हमारे इंस्टीट्यूट में आने में और हम आराम से यहाँ पे क्लासेस कर सकेंगे। तो यहाँ पे काफी आसपास के जो एरिया मैंने नाम लिए इन सभी जगहों से मुझे काफी सपोर्ट मिल रहा है और काफी बच्चे हमारे पास इंक्वायरी के लिए और पढ़ने के लिए भी आ रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो सोनू शर्मा हैं उनके द्वारा जो बताया जा रहा है कि जो बच्चे हैं उन्हें जो है दूरी होने की वजह से जो है वो कंप्यूटर सीखने से जो है वंचित रह जाते थे, जिसकी वजह से जो है वो कंप्यूटर नहीं सीख पाते थे, जिसको देखते हुए हमारे द्वारा जो है यहाँ पे पटेलवा में जो है इंस्टीट्यूट डाला गया कि जो बच्चे के बच्चियां हैं वो आके यहाँ पे कंप्यूटर सीखें, जिससे जो है वो किसी भी फील्ड में अगर जाए तो उन्हें जो है दिक्कत महसूस ना हो पाए। और भी हम चीजें जानेंगे जैसे कि मान लीजिए बहुत आजकल जो है जितना महंगाई का दौर है उसमें जो है बच्चे स्कूल का समय से फीस नहीं दे पाते हैं। जी जी बिल्कुल। इंस्टीट्यूट का भी मान लीजिए पैसा है तो अगर उनके पास थोड़ा जी जी बिल्कुल आजकल आजकल सबसे बड़ा बच्चों के सामने समस्याएं इस बात की खड़ी हो जाती है, महंगाई इतना ऊपर जा चुका है, महंगाई इतना बढ़ चुका है कि हर परिवार हर एक बच्चा हर गार्जियन चाहता है कि हम पढ़े लेकिन चूंकि महंगाई की मार उनको इतनी ज्यादा झेलनी पड़ रही है जिसकी वजह से वो लोग अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। मेरा एक हमेशा से सपना रहा है, सपना होने का रीजन हमारा रहा है, जब भी मैं भी पढ़ाई किया करता था तो मैं भी परिवार चूंकि मेरे भी इतना बहुत ज्यादा वेल मेंटेन फैमिली नहीं है हमारी भी, क्योंकि परिवार से उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला जिसकी वजह से मेरी भी बीच बीच में पढ़ाइयाँ ब्रेक होती रही। जब बीच बीच में पढ़ाइयाँ ब्रेक होती रही तो चूंकि मेरे हौसले और जुनून मेरे अंदर था ताकि मैं चाहता था कि कुछ करना, क्योंकि मैं कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया जब मेरा 8वीं क्लास से मेरा जब क्लास ब्रेक हुआ पढ़ाई ब्रेक हुआ तो मैं कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे इंग्लिश की जानकारी बहुत अच्छे से थी, मैं चाहा कि इंग्लिश की क्लासेस करवा के कोचिंग पढ़ा के कुछ बच्चों से मुझे कुछ पैसे हासिल हो जाएंगे जिसकी वजह से मैं अपनी पढ़ाई आगे की भी बढ़ा सकूंगा। तो मैंने 8वीं से कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया, पढ़ाते पढ़ाते 9वीं पढ़ाया 10वीं पढ़ाया जिसकी वजह से मुझे कुछ पैसे एकत्रित हुए और मैंने अपनी पढ़ाई बरकरार रखी। मैंने ये प्रण बनाया अपने अंदर कि जो समस्या मुझे झेलनी पड़ रही है ये समस्या आगे किसी भी बच्चे को नहीं झेलनी पड़ेगी, पैसों की पैसा किसी भी बच्चे की पढ़ाई की जिंदगी में समस्या नहीं बनेगा, पढ़ाई अगर वो बच्चा करना चाहता है तो उसकी जिंदगी में कभी पैसा समस्या नहीं बनेगा। मैंने एक सपना सजाया और मैंने इंस्टीट्यूट डालने का सबसे बड़ा रीजन यही था, मैं चाहता था कि हर बच्चे का एक सेवा जिस तरीके से मैं सपोर्ट कर सकूं, ताकि मुझे मेरे पास ऐसा कोई सपोर्टेबल वैसी चीज नहीं थी जो कि मुझे सपोर्ट हो सके, मैं चाहा कि मैं इंस्टीट्यूट डाल करके हर एक बच्चे को सपोर्ट करूंगा चाहे वो गरीब फैमिली से हो अमीर फैमिली से हो, अगर वो पढ़ाई करना चाहता है तो पैसा नहीं भी है तब भी मैं उसको पढ़ा सकता हूँ कि प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो पैसे से अगर उसको दिक्कत है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने इंस्टीट्यूट से उसको शिक्षा दूंगा। ये मेरी बात है। इंग्लिश में आपकी अच्छा खासा जो है आप कहीं भी जाते किसी भी स्कूल में तो आपको अच्छा खासा जो है पैसा वहाँ पे मिल जाता है, लेकिन कंप्यूटर की तरफ कैसे आपका ध्यान मतलब आपको कंप्यूटर की तरफ रुझान मेरा होने का सबसे बड़ा रीजन था कि डिजिटल दुनिया देखने के लिए मुझे मिल रहा है, चूंकि हर कोई प्रयास कर रहा है कि भारत को डिजिटल इंडिया बनाया जाए और मैं इसमें सबसे ज्यादा मुझे ये देखने के लिए मिला कि हर बच्चे को इस बदलते परिवेश में कंप्यूटर की जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश की जानकारी भी उतनी ही जरूरी है जितना कंप्यूटर, लेकिन कहने का मतलब यह है कि अगर इंग्लिश की जानकारी हमारे पास थोड़ी सी कम भी है तो मैं किसी कंपनी वगैरह में जाके काम कर सकता हूँ, लेकिन अगर कंप्यूटर की जानकारी है हमारे पास तो मैं अच्छे खासे किसी भी ऑफिस में अच्छा खासा वर्क कर सकता हूँ। इसलिए मैं चाहा कि कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है, कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है
जिसको सीखा जाएगा सिखाया जाएगा तो बच्चे इसमें अपने आप के भविष्य को संवार सकेंगे, कंप्यूटर की दुनिया में अपने आप को डेवलप कर सकेंगे। क्योंकि मेरा एक हमेशा से प्लान रहा है कि हमारे अपने बच्चे सीखे, कंप्यूटर को सीखे, प्रोग्रामिंग करें, लैंग्वेज सीखे, अपने आप का खुद का अपना सेटअप तैयार करें और खुद का एप्लीकेशन बनाकर अपने आप को डेवलप करें। हर उस इंसान को दशरथ मांझी बनना पड़ेगा, तभी जाके इस जीवन में जो है वो सफल हो पाएंगे। अगर आप जीवन में दशरथ मांझी जैसे संघर्ष नहीं करेंगे तो इस परिवेश में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बताते जैसे कि जो सोनू शर्मा जी ने बताया कि हमने अपने जीवन में जो है स्टूडेंट लाइफ में जो है काफी संघर्ष किया, काफी जो है पढ़ाई लाइफ में जो है दिक्कतें आई, लेकिन उसको जो है हम रोके नहीं, अपनी संघर्ष जो है वो जारी रखे। आज उसी का देन कहिए या नतीजा कहिए कि हम यहाँ पे जो है बच्चों को जो है कंप्यूटर सिखा रहे हैं। कितना बच्चे जो होंगे अभी तक ये कंप्यूटर सीख के जो यहाँ से अभी तक मैंने लगभग लगभग हजारों बच्चों को कंप्यूटर, लगभग 5000 से अधिक बच्चों को लगभग मैंने कंप्यूटर सिखा के और बच्चों को मैंने कहीं प्लेसमेंट खुद से दिलवा दिया है। और वो बच्चे आज भी कहीं ना कहीं 20,000, 25,000, 30,000 की नौकरियां कर रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हमारे पास, दशरथ मांझी का उदाहरण देने का ये रहा कि दशरथ मांझी भी जो है काफी संघर्ष किए थे, उन्होंने जो है काफी संघर्ष उन्होंने भी किया था अपनी लाइफ को लेकर के, और सेम लाइफ जो है आपका भी उसी तरह रहा कि आज जो बच्चे जो है कंप्यूटर आपके पास सीख पा रहे हैं। जी बिल्कुल, आज भी हमारे पास ऐसे कुछ बच्चे हैं जो विदेश से घूम करके आए और उनको लगा कि हमें कंप्यूटर सीखना चाहिए, विदेश से भी आए हुए लोगों को मैंने कंप्यूटर सिखाया और आज जाकर उनकी सैलरी अगर विदेश में देखें तो 50,000-60,000 वो इनकम कर रहे हैं। और आज वहां से भी वो लोग आज भी मुझे फोन करते हैं तो काफी मेरे साथ उनका हाल चाल होता है और काफी खुश है मेरे से कि सर आपने मुझे सिखाया और हम अपने आप को सक्सेस फील कर रहे हैं, सफल फील कर रहे हैं। तो हमेशा से मैंने चाहा है कि बच्चों को वो चीजें उस स्टेप तक लेके जाएं जहां से अपने आप को सक्सेस फील करें। इतना खुशी होता होगा कि हमारे बच्चे जो है विदेश में जाके शहरों में जाके अच्छे खासे रोजगार कर। बिल्कुल, हमेशा से मेरा एक सपना रहा है, आज भी मेरा एक सपना, हमेशा से मैं उस सपने पे काम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस जगह पे जितनी ऑफिसें दिखती हैं उन ऑफिसों में हमारा पढ़ाया हुआ लड़का कंप्यूटर पर सिखाया हुआ लड़का जाके वर्क करे, ताकि इस ऑफिस में जब हम जाएं तो मुझे वो खुशी मिले, ताकि हमारा लड़का पढ़ाया हुआ आगे कंप्यूटर सीख रहा है, आगे व्यवस्था को संभाल रहा है और चीजों को आगे बढ़ा रहा है। जैसा कि आपने देखा कि सोनू शर्मा जी के द्वारा जो है गुरुवलिया में भी इशू पैदा किया जो वर्षों से चला आ रहा है, और यहाँ पे भी बच्चों के द्वारा जो है दिक्कत होता था कंप्यूटर सीखने में, उन्हें दूर जाने पड़ते थे, इसलिए जो है वो काफी बच्चे जो है वो नहीं जा पाते थे, इसलिए जो है उनके द्वारा जो है यहाँ पर ढेरवा में नेहरू इंटर कॉलेज के ठीक सामने यहाँ पे कैरियर कंप्यूटर के नाम से जो है अपना यहाँ पे इंस्टीट्यूट डाले हैं। तो और भी हम चीजें जो है, पहले खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ पॉइंट 24। मैं सोनू कुमार गुप्ता, कुशीनगर।